स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। फानी तूफान से 8 की मौत, कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद। फानी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए और गांव डूब गए। बता दें कि फानी 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात है। चक्रवात की वजह से उड़ीसा के पुरी समेत कई इलाकों में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। फानी की वजह से ओडिशा के अनुमानित तौर पर 10,000 गांव और 52 शहर प्रभावित है। ऐसे में इलाके से करीब 11,00,000 लोगों को हटा लिया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इनके रहने के लिए 5,000 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं। चक्रवात फानी का असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। यूपी के चंदौली जिले में आंधी पानी व आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सोनभद्र जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 किशोरी की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। पानी को देखते हुए 1 मई के ओडिशा की तरफ जाने वाली करीब 102 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 4 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट को आधी रात और पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट को रात 9:30 बजे से बंद करा दिया गया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट 24 घंटे तक बंद रहेगा, जबकि कोलकाता एयरपोर्ट शुक्रवार शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इधर वायुसेना, थल सेना और NDRF की टीमें अलर्ट पर है। फानी की वजह से अमित शाह ने अपनी रैली को रद्द कर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्वीट किया है कि वह तटीय इलाके के पास खड़गपुर में रहेगी। उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक रैलियां फिलहाल कैंसिल कर दी है। चक्रवाती तूफान ओडिशा तट से टकरा चुका है। इसे लेकर गृह मंत्रालय, इंडियन नेवी, भारतीय रेलवे, NDRF समेत तमाम अहम महकमों द्वारा हेल्पलाइन नंबर और जरूरी सूचनाएं जारी की जा चुकी है। यह जरूरी है कि ये सारी जानकारी आपके पास हो, ताकि वक्त पड़ने पर आप इनका प्रयोग कर सके। साथ ही यदि प्रभावित या संभावित प्रभावित इलाकों में आपके जानकार या सगे संबंधी नहीं है तो भी इन सूचनाओं का जितना ज्यादा हो सके प्रचार प्रसार करें, ताकि जरूरतमंदों तक हर जरूरी सूचना पहुंच सके और वह इसके दुष्प्रभाव से बच सके। फानी तूफान में उड़ गया एम्स अस्पताल की छत का शेड। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे से ओडिशा के समुद्र तटों पर फानी तूफान 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। इस दौरान समुद्री तट के पास पेड़, झोपड़ी और कच्चे मकान सब कुछ उड़ गए है। ओडिशा के पास से लगातार कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को PIB चीफ शीतांशु कर ने शेयर किया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज हवाओं के दबाव को एम्स भुवनेश्वर अस्पताल की छत नहीं झेल सकी और उसके ऊपर लगाया गया शेड उड़ गया। तो की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।